मॉर्निंग एवरी वन, माई सेल्फ वीरेंद्र कुमार वर्मा। टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू ग्रेड 5 मैथ्स चैप्टर 6 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इन प्रीवियस क्लास यू रीड अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। नाउ इन दिस चैप्टर वी लर्न मोर अबाउट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। नाउ फर्स्ट मल्टीपल, वॉट इज मल्टीपल? इट इज अ नंबर वेन वी प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई समथिंग कॉल्स इट्स मल्टीपल। एग्जाम्पल्स 8, वी टेक 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, मीन्स हेयर 2 इज द मल्टीपल ऑफ 16। सपोज दैट 2 इंटू 5, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, दैट इज 10, दैट इज 6, दैट इज 8। नाउ हेयर 5 इज द मल्टीपल ऑफ 10, 3 इज द मल्टीपल ऑफ 6, और 4 इज 8 इज द मल्टीपल ऑफ 4। मीन्स हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि मल्टीपल जो होता है एक ऐसा नंबर है जहाँ पे हम लोग कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो उसका जो है ये मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग सपोज दैट 5 का टेबल अगर हम लोग लिखते हैं, 5 1 5, 5 2 10 ना, 5 3 15, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये सब क्या है, ये हमारा मल्टीपल है। ठीक है, ये सारे जो है इसका मल्टीपल है 5 का। ठीक है, ये 2 से जो है इसका ये मल्टीपल है। ठीक है, नाउ हम लोग आएंगे फैक्टर्स पे। ठीक है, नाउ ये फैक्टर्स क्या होता है, जब कोई भी दो नंबर, व्हेन द टू और मोर देन टू नंबर्स इफ़ वी मल्टीप्लाई देम एंड द रिजल्टिंग इज प्रोडक्ट, हैंस एनी नंबर विच इज मल्टीप्लाई ऑन दैट नंबर इज कॉल्ड इट्स फैक्टर। मीन्स एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल सपोज दैट मैंने 2 × 3 × 4 लिया। ठीक है, मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा, 2 3 6, 6 4 24। नाउ यहाँ पे जो हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4 जो हो, ये हमारा फैक्टर है 24 का। ठीक है, सपोज दैट एनी मोर नंबर वी टेक से 2 × 5 × 3, 2 5 10, 3 30। नाउ ये 2 से ज़्यादा नंबर हमने लिया है, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके कितना आता है, 30 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा मल्टीप्लाई हुआ, ईच नंबर, प्रत्येक नंबर जो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, ये सारे इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। 5 भी इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। 3 भी इसके क्या है, ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ थर्ड वन इज डिविजिबल। ठीक है, व्हेन वन नंबर इज डिविजिबल बाय सेकेंड नंबर एंड द रिमाइंडर इज 0, देन वी कॉल इट्स इट इज डिविजिबल बाय दिस नंबर। सपोज दैट वी टेक एन एग्जाम्पल, 6 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, इसे मैंने डिवाइड किया तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर 2। ये हमारा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या है, 0 बचता है। ठीक है, तो मीन्स जो है ये 3 से जो है ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 6। ठीक है, तो ये कहेंगे ये इसका डिविजिबल है। सपोज दैट मैं एक ऐसा और एग्जांपल लेता हूँ कि 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये जो है हमारा कम्प्लीटली डिविजन नहीं होता, यहाँ पे जो है हमारा रिमाइंडर रह जाता है। ठीक है, सपोज दैट मैं यहाँ पे करके आपको दिखा देता हूँ, 2 2 4 5 4 1, यहाँ पे ये हमारा रिमाइंडर 1 बच गया। ठीक है, तो ये इसका जो है हमारा ये डिविजिबल नहीं है, ये इससे डिवाइडेड नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो है नहीं होगा। ठीक है, मीन्स एक ऐसा नंबर, फर्स्ट नंबर जो सेकंड नंबर से जो है डिवाइड हो जाए पूरा और रिमाइंडर 0 हो जाए। ठीक है, रिमाइंडर विल बी 0, देन वी कॉल इट इट इज़ डिविजिबल बाय दिस नंबर।
ठीक है, सपोज दैट मैं 10 लेता हूँ, ये 2 से मैं इससे डिवाइड करता हूँ, तो 10 से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है क्वेश्चन, और रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, मीन्स इट इज 2 इज 10 इज डिविजिबल बाय 2, 10 जो है ये 2 से डिविजिबल कम्प्लीटली है, ठीक है, तो ये हमारा होता है डिविजिबल। वी सी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स, ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टीज हैं मल्टीपल्स के। फर्स्ट में है ईच नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक नंबर जो होता है एवरेज नंबर वो मल्टीपल होता है खुद का नंबर में, ठीक है, एग्जांपल्स के लिए जैसे 6 लेता हूँ, ये 1 से मल्टीपल है तो ये 6 हो गया, मीन्स कोई भी नंबर एनी नंबर, 5 है, 5 से मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 5 हो गया, मीन्स एवरी नंबर प्रत्येक नंबर जो होता है वो मल्टीपल होता है इट सेल्फ नंबर से, ठीक है, तो मीन्स ये 6 जो है ये 5 ये हमारा ये 1 से जो है ये हमारा मल्टीपल है, ठीक है, मीन्स एवरी नंबर जो होगा 1 से मल्टीपल होगा। नाउ सेकेंड ईच नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1, प्रत्येक नंबर जो है वो 1 से मल्टीपल होगा, ठीक है, कोई भी नंबर जो है 1 से मल्टीपल होगा, जैसे 6 है तो 6 के साथ 1 लगा हुआ है, ठीक है, अगर मैं 1 से अगर 5 को करूँ तो ये 5 इटसेल्फ नंबर आ जाएगा, ठीक है, मीन्स यहाँ पे अगर 4 से करूँ तो 4 इंटू 1 ये जो है हमारा 4 नंबर आ जाएगा, ठीक है, तो ये जो है हमारा, या फिर 1 से करूँ, ठीक है, तो प्रत्येक नंबर जो है कह सकते हैं कि 1 जो होता है वो सभी नंबर्स का मल्टीपल होता है, ठीक है, यस ये और ये दोनों में जो है लगभग सेम ही है, ठीक है, इट सेल्फ नंबर है यहाँ पे जो है 1 से है, ठीक है। नाउ 3 में है द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज इन्फिनाइट, मीन्स किसी भी नंबर को अगर हम लेंगे तो उसका इन्फिनाइट मल्टीपल होता है, सपोज दैट एग्जांपल्स के लिए मैं अगर लूँ 5 को तो ये मैं 3 से भी मल्टीपल कर सकता हूँ, है ना, 5 को जो है 9 से भी कर सकता हूँ, ठीक है, 5 को जो है मैं 11 से कर सकता हूँ, मीन्स इन्फिनिटी नंबर से हम लोग जो है मल्टीपल जो है उस नंबर से कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर का जो होता है वो मल्टीपल जो है इन्फिनिटी होता है, ठीक है, इन्फिनाइट तक होता है उसका। नाउ फोर्थ नंबर में 0 इज़ ए मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, 0 जो होता है वो सभी एवरी नंबर का ही मल्टीपल होता है, सभी के साथ जो अगर मैं 0 अगर मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, अगर मैं 5 के साथ 0 करूँ तो ये जो है हमारा 0 आएगा, 8 के साथ अगर करूँ तो ये जो है हमारा 0 आएगा, मीन्स कोई भी नंबर के साथ अगर मैं 0 को करूँ तो जो है वो हमारा 0 ही आता है प्रोडक्ट में, एज़ यू नो दैट। नाउ तो ये 0 जो है हमारा मल्टीपल होता है एवरी नंबर का, ठीक है। लास्ट वन 5 जो है ईच नन जीरो मल्टीपल ऑफ ए नन जीरो नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल द नंबर, मीन्स नन जीरो नंबर का मतलब है कोई भी नेचुरल नंबर अगर मैं सपोज दैट लूँ, ठीक है, तो उसके साथ जो भी मैं मल्टीपल का यूज़ करूँ, ठीक है, तो जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो इक्वल होगा या तो फिर ग्रेटर होगा, जैसे 5 के साथ मैं अगर 1 मल्टीपल करता हूँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 5 आता है, तो ये देखो 5 के ये इक्वल आ गया, ठीक है, इससे कम नहीं आ सकता है, लेस नहीं हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है, मैं अगर 7 ले लूँ, ठीक है, तो 7 टू जा कितना होता है, ये हमारा 14 है, तो यहाँ पे क्या है ये 7 से जो है हमारा क्या है ये ग्रेटर है, ठीक है, तो या ग्रेटर होगा उस नंबर से ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा, लेस नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट, नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स को हम लोग देखते हैं, जैसे एवरी नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ इट सेल्फ नंबर, प्रत्येक नंबर जो होता है वो फैक्टर होता है इट सेल्फ नंबर का, सपोज दैट मैं अगर 4 लूँ तो 4 वन जा जो होता है ये 4 होता है, मीन्स ये जो 4 है ये अपने खुद का नंबर का जो है फैक्टर है, ठीक है, सपोज दैट मैं 8 ले लूँ, ठीक है, तो 8 वन जा 8 होता है, तो 8 जो है वो खुद का नंबर का जो है वो फैक्टर्स होता है, ठीक है, मीन्स कोई भी नंबर का जो है फैक्टर्स एक खुद का नंबर इटसेल्फ नंबर होगा और एक 1 ये कंटिन्यूस रहता है। नाउ सेकंड पॉइंट है 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 जो है सभी नंबर का फैक्टर है, किसी भी नंबर का अगर मैं फैक्टर ले लूँ जैसे 8 का, तो मान लीजिए यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, मीन्स 1 जो है वो हमारा कंपल्सरी है, 1 जो है सभी फैक्टर्स का जो है एक नंबर होगा ही होगा, ठीक है, अगर मैं बात करूं 5 का तो यहाँ भी जो है 1 है 5 में, मीन्स 1 जो है सभी का जो है सभी में फैक्टर्स होता है एवरी नंबर में।
नाउ थर्ड में है, ईच नंबर अदर देन वन हैज़ एटलीस्ट टू फैक्टर्स। ठीक है, प्रत्येक नंबर का जो होता है एटलीस्ट दो फैक्टर उसका होता है। ठीक है, वन को छोड़ करके, क्योंकि वन में जो है सिर्फ वन ही वन होता है। ठीक है, तो बात करूँ मैं सेवन का, तो इसमें जो है एक आपका वन होगा, एक सेवन होगा। वन तो होगा ही, ये तो इसका एग्जैक्ट, ये तो फैक्टर हो गई, और एक खुद का नंबर सेवन। ठीक है, सपोज दैट मैं सिक्स ले लेता हूँ, तो ये वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए मोर देन टू फैक्टर्स है, मीन्स एटलीस्ट टू तो सभी में होगा ही होगा। ठीक है, जैसे एक और मैं नंबर ले लेता हूँ 19, तो 19 का फैक्टर्स क्या होगा, वन एंड 19। ठीक है, तो ये दो नंबर जो है एटलीस्ट टू फैक्टर्स एवरी नंबर का, ईच नंबर का होगा एक्सेप्ट वन। नाउ फोर्थ का नंबर, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर एंड ए नंबर हैज़ इनफिनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसके पहले भी मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स में भी बताया था। ठीक है, कि किसी भी नंबर का जो होता है, ठीक है, उसमें इनफिनाइट नंबर का उसका मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, तो फैक्टर्स भी हो सकता है। तो एवरी फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। ठीक है, तो या फिर वो लेस होगा या फिर इक्वल होगा। ठीक है, किसी भी नंबर का। ठीक है, या तो फिर जो है ये नंबर हैज़ इनफिनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो किसी भी नंबर का जो है वो इनफिनाइट नंबर्स ऑफ फैक्टर्स उसका होगा। नाउ नंबर फिफ्थ, एवरी फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। मीन्स एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, सपोज दैट मैंने 8 लिया है, इसका आपका जो है फैक्टर्स क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। ठीक है, तो ये जो है 1, 2, 4, 8 जो है ये इसका 8 का एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है। एग्जैक्ट डिवाइज़र मीन्स जब इससे मैं इसे डिवाइड करूँ तो ये कम्प्लीटली जो है कट जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है नंबर हमारा एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है। ठीक है, मीन्स ये अगर 1 लूँ, 2 लूँ, 2 से अगर मैं डिवाइड करूँ 8 को तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 4 से करूँ तो ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, 8 से मैं करूँ तो ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। सो दैट्स दिस नंबर आर कॉल्ड एग्जैक्ट डिवाइजर्स ऑफ 8। नाउ नंबर 6, एवरी नॉन जीरो नंबर इज ए फैक्टर ऑफ 0। कोई भी नॉन जीरो नंबर है, नेचुरल नंबर कोई भी मैं ले लूँ, 2, सपोज दैट 2 मैं ले लेता हूँ, उस वो जो है जीरो का जो है उस नंबर का वो जीरो जो है फैक्टर होता है। जैसे 2 × 0 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, या मैं 0 × 2 ले लूँ तो क्या, 0 होता है। मतलब ये जो 2 है इसका जो है एग्जैक्ट जो है फैक्टर होता है ना। अगर मैं सपोज दैट ले लूँ 3 × 0, ठीक है, तो ये 0 हो गया। तो जो है ये 3 जो है इसका जो है एक फैक्टर ही होता है। मीन्स 3 का फैक्टर जो है ये 0 जो है सभी में होता है। ठीक है, तो एवरी नॉन जीरो नंबर, एवरी नॉन जीरो नंबर, कोई भी नॉन जीरो नंबर जो होगा वो क्या होगा, फैक्टर होगा 0 का, है ना। कोई भी नंबर है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, सपोज दैट एनी नंबर, इट इज़ अ फैक्टर ऑफ 0, वो क्या होगा, 0 का फैक्टर्स होगा। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट। नाउ इवेन नंबर, इवेन एंड ऑड नंबर्स, इन प्रीवियस क्लास यू रीड अबाउट दिस इवेन नंबर एंड ऑड नंबर्स। नाउ मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो इवेन नंबर क्या होता है ना, ए नंबर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवेन नंबर, एज वी नो दैट कोई भी नंबर अगर वो 2 से डिविजिबल है तो वो इवेन नंबर कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, है ना, 10 हो गया, 12 हो गया, दैट इज दिज नंबर आर डिविजिबल बाई 2, सो दीज आर कॉल्स इवेंट नंबर्स। नाउ ऑड नंबर, ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है उसे हम लोग जो है ऑड नंबर कहते हैं। सपोज दैट एग्जाम्पल्स आपका 3, 5, 7, 9, 11, दीज नंबर्स आर कॉल्ड ऑड नंबर बिकॉज दीज नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाई 2। ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए ये कहलाता है हमारा ऑड नंबर कहलाता है। ठीक है, नाउ प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर ए नेचुरल नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर, है ना। एग्जाम्पल्स
वी टेक 7। ये इसका आपका जो है ये होगा फैक्टर 1 एंड 7, है ना। तो ये जो है हमारा प्राइम नंबर, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इसका दो ही फैक्टर्स है, 1 एंड 7, मीन्स एक इटसेल्फ नंबर होगा और एक 1 होगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम लोग जो है प्राइम नंबर कहेंगे। सपोज दैट 23, इसका जो है फैक्टर्स होगा 1 एंड 23, है ना। इसका भी जो है दो ही फैक्टर होगा, 1 एंड 23, मीन्स 1 एक नंबर हो गया और एक इटसेल्फ नंबर 23। तो ये दोनों इसका जो है फैक्टर्स होगा, दैट्स कॉल्ड अ प्राइम नंबर, ठीक है। नाउ कंपोजिट नंबर, व्हाट इज कंपोजिट नंबर? ए नेचुरल नंबर विच हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स, जिसका दो से ज़्यादा फैक्टर्स होगा उसे हम लोग कहेंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल्स, सपोज दैट वी टेक 8, तो 1 हो गया, 2, 4 एंड 8। यहाँ पे देखिए दो से ज़्यादा फैक्टर्स है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर, ठीक है। 1 तो है, 1 और 1 8, ये दोनों नंबर जो है सभी में होगा, ठीक है। सभी फैक्टर्स का 1 एंड इटसेल्फ नंबर उसका फैक्टर्स होगा, एंड अदर देन जो है दो नंबर और भी है, 2 एंड 4, सो दैट इज 8 इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। सपोज दैट 15, 1, 3, 5 एंड 15, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। वाई? बिकॉज इट हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। नाउ को प्राइम नंबर, को प्राइम एंड ट्विन प्राइम नंबर्स, वॉट इज को प्राइम? टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम नंबर्स इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। को प्राइम नंबर वैसे नंबर है, वैसे नंबर को कहेंगे जिसका जिसका जो है 1 को छोड़ करके और भी कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। एग्जांपल्स के लिए जैसे मैं 19 लेता हूँ, ठीक है, तो इसका फैक्टर्स होता है 1 एंड 19। मैं आगे ले लेता हूँ आपको 23, इसका फैक्टर होता है 1 एंड 23। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों नंबर में हमारा, ये दोनों नंबर जो है हमारे को प्राइम नंबर कहलाएंगे, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 जो है हमारा कॉमन फैक्टर है, सिर्फ 1, और भी कोई अदर नंबर नहीं है, तो ऐसे नंबर को हम लोग कहेंगे को प्राइम नंबर। अदर एग्जांपल्स, सपोज दैट 17 लेता हूँ, इसका जो है 1 होता है और 17 इसका फैक्टर है। नाउ अदर नंबर 29 लेता हूँ, तो यहाँ पे 1 हो गया और ये 29 हो गया, मीन्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 17 और 29 में सिर्फ 1 जो है हमारा कॉमन फैक्टर है, ठीक है, और भी यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है हमारा, ठीक है। 17 अलग है, 29 अलग है, तो सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर, मीन्स वैसे नंबर को को प्राइम कहेंगे जिसका सिर्फ और सिर्फ जो है 1 इसका कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं होता है। इफ़ दे हैव एंड दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, 1 को छोड़ करके और भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, दैट्स कॉल्ड द को प्राइम नंबर। नाउ ट्विन प्राइम नंबर, टू कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। दो कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स मीन्स लगातार जो है कोई भी दो प्राइम नंबर्स को लेंगे, ठीक है, उसे हम लोग जो है ट्विन प्राइम कहेंगे, ठीक है। जैसे 3 एंड 5, ठीक है, ये ट्विन है, मीन्स दो है, तो इसे हम लोग ट्विन कहेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है क्या है, ये हमारा ऑड नंबर है, ये भी हमारा ऑड नंबर है, और ये दोनों प्राइम नंबर भी है, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम लोग कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। 7 एंड 11, ये दोनों ट्विन है, एक साथ है, ये भी हमारा ऑड नंबर है, दैट्स ऑल्सो इज ऑड नंबर, सो दैट्स नंबर इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है, ये ट्विन प्राइम नंबर हो गया। लेकिन इसमें जो है ट्विन प्राइम नंबर में आपको टू कंसेक्यूटिव होना चाहिए, दो लगातार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे 11 ले लिया और यहाँ पे मैंने 19 ले लिया, ठीक है, तो ये हमारा ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। दो लगातार नंबर और नंबर को हम लोग लेंगे, तो ऐसे नंबर को हम लोग कहेंगे ट्विन नंबर। नाउ नेक्स्ट वी गो थ्रू एक्सरसाइज। नाउ इन एक्सरसाइज 6A, फर्स्ट क्वेश्चन गिवेन यू प्राइम फैक्टराइजेशन, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, तो ये नंबर का मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। जैसे 6 में 60 है, तो ये क्या करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। प्राइम नंबर है मीन्स हमको प्राइम नंबर ही यूज़ करना है, ठीक है, जस्ट लाइक 2, 3, 5, 7, 11, दैट्स। तो यहाँ पे मैं 2 से देता हूँ, 2, 2, 3 या 6 हो गया 30, फिर मैं 2 से देता हूँ, 2, 1 या 2,
टू फाइव से 10 हो गया, 215 से फिर जो है आपको 3 से देना है, तो ये हो गया 3 5 15। नाउ 5 से देता हूँ, 5 1 5। नाउ आपको ये इसका फैक्टराइजेशन आपको लिखने है ऐसे, 60 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 5। आप 1 एज यू विश लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये जो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप कर लोगे दिस टाइप। नाउ सेकंड में आपको फैक्टर ट्री दिए गए हैं, है ना, आपको फैक्टर ट्री में आपको बनाने हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे 248 दिया गया है, ठीक है, तो इससे मैं ए में आपको दिया गया 248, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 248। ठीक है, यहाँ पे जो है दो मल्टीपल होंगे इसके, फर्स्ट में मैं 2 लेता हूँ। ठीक है, तो 2 से जब मैं इसे इसका फैक्टर ट्री में करूँगा तो ये 2 1 2 हो जाएगा, 2 2 4 और 2 4 8, ये 124 हो गया। ठीक है, तो 2 से जब इंटू करूँगा तो ये हमारा 248 आ जाएगा। फिर मैं इसका दो पार्ट करूँगा, ठीक है, दो पार्ट फिर से मैं इसको 2 लूँगा, ठीक है, इंटू 2 6 12 एंड 2 2 4। ठीक है, ये हो गया इसका 124 का दो मल्टीपल, 2 × 62। नेक्स्ट ये मैं ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। फिर यहाँ से 2 3 6 एंड 2 1 2। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया। ठीक है, ये हम इसी दिस इज कॉल्ड अ फैक्टर ट्री। ठीक है, तो लास्ट में मैं इसे लिख सकता हूँ 248 इज इक्वल टू 2 × 2 इस साइड का। ठीक है, और लास्ट में ये दोनों भी 2 × 2 × 31। तो ये जो है इसका जो है आपका फैक्टराइजेशन होगा, ये आपका फैक्टर ट्री का जो है ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको थर्ड में फैक्टर्स निकालने, जैसे ए में दिया गया है 54। ठीक है, तो आपको 54 का फैक्टर्स लिखना है ना, क्या क्या फैक्टर्स होगा। तो 1 विल बी कंपल्सरी, 1 तो होगा ही, ठीक है, एंड 2 हो गया, ठीक है, फिर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, फिर 6 एंड 9, फिर आपका 18 हो जाएगा एंड 27 एंड लास्ट 54। ठीक है, तो ये सारे जो हैं 54 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपको जो है नंबर 3 में सभी का फैक्टर्स आपको लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर आगे में है, क्वेश्चन नंबर 5, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 11, है ना, आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 11, 11 का आपको जो है फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स लिखने हैं। ठीक है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, तो हाउ वी डू दैट, कैसे करेंगे, तो 11 का 11 से कीजिए, 11 1 11, फिर 11 2 से कीजिए 22, 11 × 3 33, 11 × 4 44, 11 × 5 55, है ना। तो ये जो है आपका फर्स्ट 5 मल्टीपल होंगे 11 के। ठीक है, तो ऐसे हम लोग और भी बाकी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, जितना मैंने थ्योरी आपको कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है, तो इसके हेल्प से आप जो है रेस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस यू हैव टू डू दैट, एंड 6B विल बी MCQs क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शंस सो यू कैन डू इजली। थैंक यू।